जिला की पिछड़ी पंचायत कश्मीर में विकास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी ताकि लोगों का सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसके लिए विकास प्लान भी तैयार किया गया है। ये बात उपायुक्त हमीरपुर राकेश प्रजापति ने कश्मीर में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उपरांत कही। इस दौरान उपायुक्त राकेश प्रजापति ने पंचायत प्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों के साथ कश्मीर पंचायत के विकास के प्लान पर भी विस्तार से चर्चा की। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने लोगों की समस्याएं भी सुनी तथा समस्याओं के त्वरित निदान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसडीएम दिलेराम सहित ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 दीवारी लगाने के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 12 लाख की राशि स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर क्षेत्र के बच्चों को खेलकूद की बेहतर सुविधाएं मिले इसके लिए मैदान की मुरम्मत भी करवाई जाएगी। ढाट स्कूल में इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए 80,000 की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि पिछड़ी पंचायत कश्मीर के विकास कार्यों की नियमित तौर पर समीक्षा की जाएगी। और कश्मीर पंचायत हमारे जिले की बैकवर्ड पंचायत, 13 बैकवर्ड पंचायत उनमें से एक है। और आज मौके पर लोगों को सुना गया, सारे वार्ड के मेंबर और प्रधान सारे लोग उपस्थित थे, अधिकारी लोग उपस्थित थे। मौके पे बहुत सारी समस्याएं आई, खास करके जो यहाँ पे कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, उसमें बहुत सारे संपर्क मार्गों की डिमांड्स थी, उन सारे डिमांड्स को पूरा किया गया जिसमें 10 से 15 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ जो ये स्कूल का प्रांगण रिनोवेट करने की जरूरत थी और हैंडपंप और सबमर्सिबल लगाने की जरूरत थी, उसके लिए भी धनराशि दी गई। इसके साथ साथ कुछ और बताया गया कि जैसे यहाँ पानी की एक बड़ी समस्या है, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं आईपीएस विभाग को कि आप इसके संबंधित जो भी एस्टिमेट्स हैं वो तैयार करके हमें प्रेषित करें ताकि और जो धनराशि उसके लिए मुहैया करवानी है वो जारी की जा सके। कमिश्नर साहब आज अपने अधिकारियों के साथ कश्मीर आए हुए पंचायत घर में, तो वहां पर हमने इलाके की समस्या, मेन समस्या थी कनेक्टिविटी, 3-4 लिंक रोड नहीं बने हैं, उनके लिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने मौके पर ही हल कर दिया कि रोड के लिए पैसा सेंक्शन कर दिया। और मेन समस्या थी पूरी पंचायत की पानी की, कि हरेक वार्ड में पानी नहीं पहुंचता है, जबकि पानी की कोई कमी नहीं है, पानी बहुत है इस स्कीम में, लेकिन जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो बड़ा पुअर है। वो इसलिए है क्योंकि जैसे एक लाइन जो लग निकली है किसी भी गांव के लिए, चाहे टहली को निकली है, दार को निकली है, कश्मीर को निकली है, उसको बीच से कई जगह से पेंचर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर पानी की बहुत समस्या आ रही है। पिछले 2 साल से ये नहीं हुई थी पहले ही, और सभी लोगों का ये कहना मेन समस्या जो वो पानी की है। और डिप्टी कमिश्नर साहब से ये बात बताई गई कि बच्चे बरसात के दिनों में बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको आना, भीड़े के बच्चों को, दोनों ने कहा कि वहाँ पर छोटा या कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन करेंगे ताकि बच्चे कोई नदी में ना बहे।